नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। राहुल गांधी की सूरत कोर्ट द्वारा सजा बरकरार रखे जाने पर विधायक एवं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है, लोअर कोर्ट में जो निष्पक्षता होनी चाहिए वह नहीं बची है। सब लोग ये बात जानते हैं, इस मामले में जो पूरा घटनाक्रम था उससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के कारण ये सब किया जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो जन समर्थन मिला और हवा बनी उससे भाजपा और मोदी बौखला गए हैं, इसलिए ऐसे बेफिजूल कार्य कर रहे हैं। हमें आज भी विश्वास है कि उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में राहुल जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा षड्यंत्र के माध्यम से राहुल जी को परेशान करने का कार्य कर रही है। राहुल जी ने आदेश के बाद घर खाली कर दिया, क्योंकि वह जनता के नेता हैं और उनकी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों को रिव्यू किए जाने के मामले पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी बयान दिया। जब भी चुनाव पास आते हैं तो भाजपा यही प्रयास करती है कि ऐसे आदेश के माध्यम से वह गलत सांप्रदायिक माहौल बनाए। मध्य प्रदेश की पहचान शांति और सांप्रदायिकता एकता से है। मुझे विश्वास है कि प्रदेश का मतदाता परख चुका है और समझता है इस बात को कि ये लोग सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कट्टरता के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आदेश पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी बयान दिया है। मध्य प्रदेश में मनमाने ढंग से पट्टे बांटने को मामले पर जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार पर हमला बोला और साथ ही सिंधिया को 6 महीने के लिए सीएम बनाए जाने के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के तंज पर भी उन्होंने कहा कि ये तो भाजपा को तय करना है। नमस्ते, कैसे हैं? जब भी चुनाव पास आते हैं तो भाजपा यही प्रयास करती है कि ऐसे आदेश के माध्यम से एक वो गलत सांप्रदायिक माहौल बनाए। मध्य प्रदेश की पहचान हमारे प्रदेश की शांति से है, सांप्रदायिक एकता से है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मतदाता मध्य प्रदेश का है वो भी अब भाजपा को परख चुका है और समझता है इस बात को कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मेरा तो यही अनुरोध रहेगा इन सब मुद्दों पे कि हमको हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म को साथ लेके चलना है, सबका सम्मान रहे, सबकी जो सोच है उसका सम्मान रहे, हम मिलके हर समाज को साथ लेकर, हर धर्म को साथ लेके आगे बढ़े, सबका विकास करें। देने की बात आई है, सरकार ये चाह रही है कि गरीबों को पट्टे मिले, आपने सवाल खड़े किए हैं, आपने कहा अगर पट्टे का अधिकार किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है, और आज भी हम ये बात याद करते हैं कि जो ताकत संविधान की है वो अम्बेडकर साहब ने दी, पंडित नेहरू जी ने दी, जिसके कारण आज भी पूरे विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं मोदी जी के राज में, उससे स्पष्ट दिखता है कि भाजपा की सरकार संविधान पर भरोसा नहीं करती है, और मामू तो जनता को मामू बना रहे हैं, हर साल पट्टे देंगे, यही बात शिवराज सिंह चौहान जी लगभग 16 साल से करते आ रहे हैं, और विशेषकर जब चुनाव आता है तो मामू को पट्टा याद आ जाता है, लेकिन घोषणा के बाद जिनको पट्टा मिलना चाहिए है, अनुसूचित जाति के हमारे साथीगण, जनजाति के साथीगण, अन्य जो ऐसे लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हो चाहे सामान्य वर्ग से भी हो, लेकिन उनको जो अधिकार मिलना चाहिए पट्टे का वो कहीं भी नहीं मिला है। आप जांच कर लीजिए, ग्वालियर में जांच कर लीजिए, अन्य जो जिले वहाँ पर आप जांच कर लीजिए, किसी को अधिकार नहीं मिला है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी ने गरीब जन को न्याय दिया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।